जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए, क्योंकि भाई देखिए, हर कोई चाहता है अपने शो को सेव करने के लिए। आप तो सिर्फ जो है डिमांड करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितनी भी वहाँ पे टीम है या कहें जितनी भी वहाँ को स्टार हैं, वो सभी जो है रिक्वेस्ट, दुआ, मेहनत सब करते हैं कि शायद उनके शो संभल जाए। लेकिन जब लगता है कि शो संभल नहीं पा रहा है और हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल चुकी है, तो हमें शो को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में हम काफ़ी शो को देखते हैं जो अचानक से अच्छी टीआरपी होती है, लेकिन वो बंद हो जाते हैं। वजह होती है इनकम, क्योंकि चैनल जब इनकम देता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है कि इतना इनकम दिया है, टीआरपी अच्छा है, तो देख लीजिए आपके शो ने जो है इनकम नहीं किया है, सिर्फ स्टोरी को देखा है लोगों ने। यार स्टोरी के साथ देख लिया करो ना, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें ऐड देखने, वो चैनल चेंज करने की बीमारी लग गई है क्या? चलिए फ़िलहाल मैं आपको कलर की कुछ शो की न्यूज़ देने वाली हूँ जो काफ़ी हटकर है। कुछ खुशी है तो कहीं गम, कभी खुशी कभी दुख। सबसे पहले मैं बात करूँगी रश्मि मैम के शो की। रश्मि मैम के शो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, पर दो बहनों पर ही होते हैं। उनके ज़्यादातर शो जो देखे जाते हैं वो दो बहनों पर ही होते हैं। फिर चाहे उनके आप जो है दिल दिया गल्ला में देख लीजिए, फैमिली दो बहनों पे थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, या सुहागन देख लीजिए, यहाँ पे दो बहनें, ससुराल सिमर देख लीजिए दो बहनें, सुहागनी देख लीजिए दो बहनें, या फिर उनका जो है डोली अरमानों की जो मतलब दंगल पे था, वो भी दो बहन। उनके ज़्यादातर शो दो बहनों की कहानी पर ही होते हैं। और ऐसे में जो है अब जो है सुहागन कहेंगे अच्छी टीआरपी दे रहा है, लेकिन जो है रश्मि मैम एक नया शो लाने की तैयारी में लग चुकी हैं। ऐसे में रश्मि मैम सुहागन को बंद करेंगी, तो ऐसे में सुहागन नेक्स्ट मंथ बंद हो रहा है। अब वो मिड नवंबर हो जाए या स्टार्टिंग में नवंबर में हो जाए पता नहीं, लेकिन कहानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ पे बिंदिया अब्जा जो है पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो चुकी है अपनी बहना का। ऐसे में जो है 6:30 पे आपका नया शो टाइमिंग लेने के लिए तैयार है डोरी। अभी जो है वो कुछ कंफ्यूजन में है, लेकिन फिर भी उन्होंने यस बोला हुआ है कि वो 6:30 की टाइमिंग पे जो है डोरी लेने के देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में डोरी का प्रोमो आपने देखा, किसी ने कहा बिल्कुल दीवानशी एक शो था उसके जैसा है, या किसी ने बहुत तारीफ़ की, या फिर एक कहानी पुरानी प्रथा के ऊपर है कि जहाँ लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जिनके जो एक गरीब होते हैं वो लड़कियों को बहुत प्यार देते हैं, पैसे वाले लोग जो है लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, जहाँ पे कहते हैं कि लड़की को दहेज देना होता है, लड़की की शादी में पैसा लगता है, तो वहाँ अमीर लोगों के लिए तो लड़की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे अमीर लोगों के लिए लड़की प्रॉब्लम है। और जहाँ गरीब जो कि पढ़ा भी नहीं पाएगा या उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो फिर भी लड़की को एक हिम्मत और एक प्यार देता है। तो कहानी कुछ इस तरह की होने वाली, किरदार बहुत बेस्ट है, ऑसम है, और जय मेहता का प्रोडक्शन का शो है, तो आप समझ सकते हैं उनके शो काफ़ी बेहतरीन है। मैडम सर आपने देखा ही होगा, वो काफ़ी अच्छे शो देते हैं। तो ऐसे में वो 6:30 लेने के लिए रेडी हो चुके हैं, बाकी देखते हैं कि उन्हें और क्या होगा। बात करते हैं आपके प्यारे से उड़ारियन की। रवि दुबे इसमें जो है 3rd जनरेशन दिखा रहे हैं, और कहानी फैंस को पसंद तो आए, लेकिन जो है करैक्टर किसी को पसंद नहीं आ रहे, अब तक करैक्टर का नाम तक जुबा पे नहीं चढ़ा है। ऐसे में जो है शो को नवंबर तक का टाइम दिया है, अगर नवंबर के मिड नवंबर में वो टीआरपी बढ़ा लेता है तो बेस्ट है, नहीं तो 6:30 पे आपका शो जाएगा, और शायद रश्मि मैम अपना जो नया शो लाने वाली है वो 7 o'clock पर है, क्योंकि जो है 6 o'clock पर जाएगा, 6:30 नहीं, 6 o'clock पर जाएगा उड़ारियन, और 7 o'clock पर शायद रश्मि मैम अपना नया शो लॉन्च करेंगी। काफ़ी लंबे टाइम बाद 7 o'clock पर रश्मि मैम शो ला रही है। इससे पहले शायद जो है रश्मि मैम लाई थी अपना शो जो है साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पे फर्स्ट सीज़न,
तो ऐसे में आप कितने एक्साइटेड हैं नई स्टोरी, नए शो या इन शो के बंद होने पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।